साधना करता है उसे साधक कहा जाता है। साधक का अर्थ ही है साधना करने वाला। और एक दृष्टि से देखें तो मनुष्य मात्र साधक है, क्योंकि हर किसी का कोई न कोई एक साध्य है, लक्ष्य है। उस लक्ष्य को पाने के लिए, साध्य को पाने के लिए अपने अपने ढंग से हर मनुष्य प्रयत्न कर रहा है, साधना कर रहा है। साधना का मतलब है प्रयत्न करना, मेहनत करना। लेकिन दुनिया में जो अनेक प्रकार के श्रम किए जाते हैं भौतिक क्षेत्र में, उस श्रम से तो भौतिक वस्तुओं की उपलब्धि हो जाती है, पद मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है, सुविधाएं मिल जाती है, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें मिलने के बाद भी मानसिक दुखों की पूर्ण निवृत्ति नहीं होती है। और यदि मानसिक दुखों की पूर्ण निवृत्ति नहीं हुई, मन की पीड़ा, मन की जलन समाप्त नहीं हुई, तो भौतिक ऐश्वर्यों की उपलब्धि से क्या फल मिला? जो कुछ हम करते हैं उसका फल होना चाहिए मानसिक संतोष, शांति की प्राप्ति, मानसिक जलन, पीड़ा का समाप्त हो जाना, क्लेश का समाप्त हो जाना। मन में संतोष नहीं है, शांति नहीं है, और बाहर खूब वाहवाही है, तो कोई मतलब नहीं होता है। मन की शांति के अभाव में, मानसिक संतुष्टि के अभाव में बाहर का सारा ऐश्वर्य, बाहर की सारी उपलब्धि उसी प्रकार है जैसे मुर्दा का श्रृंगार करना। मुर्दे के श्रृंगार का क्या महत्व है? जीवित मनुष्य का श्रृंगार किया जाए तो बात समझ में आती है, और जो मुर्दा है, मर चुका है, उसके श्रृंगार का तो कोई मतलब नहीं होता। मुर्दा से तो अब सड़न ही अब होना है, बदबू आना है। ऐसे ही बाहर का सारा ऐश्वर्य एक प्रकार से मुर्दा का श्रृंगार है, क्योंकि उससे मानसिक दुखों की निवृत्ति नहीं होती। मानसिक दुखों की निवृत्ति तृष्णा के त्याग से होती है, आशा के त्याग से होती है, वासनाओं के त्याग से होती है, बाहर से लौटकर अपने आप में स्थित होने से होती है। और इसी के लिए आध्यात्मिक साधना की जरूरत होती है। इसलिए साधक उसे कहा ही उसे जाता है जो आध्यात्मिक दिशा में साधनारत रहता है, अपने मन इंद्रियों की कुचालों को दूर करता रहता है, उन पर संयम रखता है और उनको सन्मार्ग में नियोजित करता है। साधना क्षेत्र में प्रगति के लिए, एकरस बने रहने के लिए, निष्ठा की, भक्ति की, सेवा की आवश्यकता होती है। साथ साथ उत्साह चाहिए। उत्साह नहीं है तो कोई भी काम अच्छे ढंग से नहीं किया जा सकता।
उत्साह है लेकिन निष्ठा नहीं है, उसके प्रति भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो खाली उत्साह से भी कुछ नहीं होता है। तो उत्साह, निष्ठा, प्रेम, समर्पण, ये जितने अधिक होंगे उतनी ही साधना में एक रस्ता होगी और तत्परता होगी, साथ साथ जल्दी सफलता मिलेगी। साधना में ही सब प्रकार से लाभ का निश्चय होगा तो साधना में मेहनत करते हुए भी मन में प्रसन्नता रहेगी। जब तक संसार के भोगों में दुख की निश्चयता नहीं होगी, यह बात हमारी समझ में नहीं आएगी कि जो संसार के माने गए सुख भोग हैं ये ही सारे दुखों के मूल हैं, सारे दुखों के कारण हैं, और यही साथ साथ यही बंधन और आवागमन के मूल कारण हैं, तब तक उधर से वैराग्य नहीं होगा, मन उधर खींचता रहेगा। और मन जिधर खींचता रहेगा, बार बार चिंतन करता रहेगा, धीरे धीरे कर्म भी वैसे होने लग जाएंगे। साधना मार्ग में जो एक रास्ता नहीं होती, निश्चयता नहीं होती, उत्साह नहीं होता है, सफलता नहीं मिलती, उसका कारण यह है, अभी जो भोग है दुनिया के उनके प्रति मन में वितृष्णा नहीं है, इसलिए उधर मन खींचता रहता है। पूरी तरह से दुख निश्चयता हो जाए, जैसे सांप बिच्छू के लिए हमने सुन रखा है कि सांप बिच्छू काट लेते हैं, डंक मार लेते हैं तो जहर चढ़ता है, पीड़ा होती है और मौत हो जाती है, इसलिए सांप बिच्छू को देखते ही हम दूर से भागते हैं, ये नहीं सोचते लाओ जरा अनुभव करके देख लें कि सांप काटने से मौत होती है नहीं होती। लोग कहते तो बहुत हैं, बचपन से सुनते आए हैं कि सांप काटने से मौत होती है, तो ये कहावत, ये लोग कहते हैं खाली कहावत है कि सच्चाई है, ला जरा अनुभव करके देखें, कोई प्रयोग नहीं करता है। सुने हैं इसलिए सांप से बिच्छू से अपने आप लोग दूर भागते हैं, हमारी गोद में सांप या बिच्छू गिर जाए तो हम उस पर विचार नहीं करते, फेंकू कि ना फेंकू, तुरंत वहां से फेंकते हैं, उधर से दूर हटते हैं। इसी प्रकार जब तक दुनिया के भोग भयंकर दुखदाई जहर उत्पादक समझ में नहीं आएंगे तब तक उनका त्याग नहीं होगा, और मन में बात दृढ़तापूर्वक बैठ जाए कि ये सारे के सारे भोग जो बहुत आकर्षक और सुप्रद माने गए हैं ये सांप बिच्छू से भी अधिक जहरीले हैं। सांप बिच्छू काटने से क्या होता है, शरीर की मौत होगी अधिक से अधिक, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है, और अनादिकाल की दुनिया में ना मालूम कितने शरीर की मौत हो चुकी है, कितने बार शरीर धारण किए और शरीर छोड़े, कोई संख्या नहीं, कोई गिनती ही नहीं है। लेकिन ये भोग तो एक शरीर क्या, असंख्य शरीर के कारण बनते हैं, ये तो हमें पतन के गड्ढे में ही गिरा देते हैं। ऐसा जब भाव होता है तब उधर से मन हटता है, और जब भोगों की तरफ से मन हटेगा तब साधना में प्रेम जगेगा। जब तक भोगों में कहीं भी किसी प्रकार के भोग हों
थोड़ा भी उसमें सुख की निश्चयता उसके प्रति प्रेम है, तब तक साधना में प्रेम नहीं हो सकता। ये पक्की बात है, कोई भी हो, किसी मत का साधक हो। भोगों से पूरी तरह दुख रूपता का अनुभव जब होगा तभी साधना के प्रति प्रेम होगा, और साधना के प्रति जब प्रेम होगा तो साधना करने में उत्साह बढ़ेगा, निष्ठा बढ़ेगी। इसलिए सदगुरु से पुराण साहब ने कहा, दृढ़ निर्वेद जाको भयो सोई मुमुक्ष बड़ भाग। दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो वैराग। जब भोगों में शरीर संसार में दोष दृष्टि होती, दुख दृष्टि होती है, तब वैराग उत्पन्न होता है। और दृढ़ निर्वेद पूरी ग्लानि, अब तक मैं इतने भोगों में डूबा रहा जान समझ करके भी क्या मिला आज तक, पूरी ग्लानि हो जाए, उससे एकदम पूरी वितृष्णा घृणा हो जाए। साहब कहते हैं ऐसा मुमुक्ष बड़भागी है, ऐसा कहां हो पाता है, इसलिए उधर से मन हटता नहीं है। क्योंकि मन तो एक है, या तो भोगों में प्रेम करेगा या साधना में प्रेम करेगा, या तो काम में प्रेम होगा या तो राम में प्रेम होगा, दोनों साथ साथ कैसे चलेंगे। तो यदि साधना में एक रथ आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने मन को भोगों से हटाना पड़ेगा। और हटाने के लिए क्या होगा, दुख की निश्चयता, दुख दृष्टि। जैसे कोई है हमारा शत्रु है, हम यद्यपि वैसे कोई शत्रु नहीं लेकिन हो जाता है, तो किसी को हम अपना शत्रु मानते हैं तो हम उसकी याद नहीं करना चाहते, और याद होती है तो बहुत गुस्सा आता है। कोई उसकी चर्चा करता है हम तुरंत बोलते हैं छोड़ो, बंद कर उसकी चर्चा, नहीं सुनना चाहते। ऐसे ही भोगों के प्रति हो, प्रबल शत्रु समझ लें कि मेरा सबसे प्रबल शत्रु है ये दुनिया के भोग, और कहीं भी उसकी चर्चा सुनना भी पसंद ना हो हमें, याद करना, याद तक याद हुए तो उधर से ग्लानी हो मन में, तो उधर से अपने आप मन हट जाएगा। और जब मन हटेगा तब साधना में प्रेम बढ़ेगा, साधना उत्साहपूर्वक चलेगी। साधना मार्ग में आने पर निर्यत्न जीवन निर्वाह की वस्तुएं मिलती है, मांगना नहीं पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती। साधक जहां भी रहता है उसे खिलाने पिलाने वाले बहुत लोग मिलते हैं, तो निर्यत्न जीवन निर्वाह की वस्तुएं मिल जाती है। साथ साथ पूजा मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है, और इनमें हमारा मन रस लेने लग जाता है, हम सावधानी नहीं रख पाते। थोड़े से ही जो मोटे मोटे दोष दुर्गुण थे वे दूर हो गए। कोई साधक है, साधना मार्ग में लगा है, संत समाज में रहता है, तो चोरी तो नहीं करेगा, हिंसा नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, मिलावटबाजी नहीं करेगा, कोई व्यापार करता नहीं है, सहज रूप से कोई ऐसे झूठ नहीं बोलेगा, किसी को गाली नहीं देगा, तो मोटे मोटे दोष दुर्गुण, लड़ाई झगड़ा करना, ऐसे करना, ये सब छूट जाते हैं। दुर्व्यसन तो कोई साधक है तो दुर्व्यसन करेगा नहीं, तो मोटे मोटे दोष दुर्गुण छूट गए, समान रूप से कुछ सद्गुण आ गए,
बाहर से पूजा मिलने लगी, प्रतिष्ठा मिलने लगी, और हम समझ लेते हैं कि अब तो हमारा काम पूरा हो गया। मान लिए हम कि अब हमें तो कोई दोष रहा नहीं और सद्गुण आ ही गए हैं, पूजा मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, सुविधा मिल रही है, अब क्या कमी है। हम आगे बढ़ते नहीं, अपने मन के सूक्ष्म दोषों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। इसलिए उनको दूर करने के लिए हम प्रयत्न भी नहीं कर पाते, अब साधना में ढिलाई शुरू हो जाती है। पूजा प्रतिष्ठा ये तो भक्तों के मन की बात है। कोई भी साधक है, उसकी पूजा करके, उसे प्रतिष्ठा देकर, स्वागत सत्कार करके, सम्मान करके, जो श्रद्धालु प्रेमी भक्त हैं उनके मन में आनंद होता है, उनका मन प्रफुल्लित होता है, जो शुद्ध भावना जगती है, उनमें संस्कार अच्छे जगते हैं, तो उनका तो लाभ होता है। लेकिन उस पूजा प्रतिष्ठा में हमारा मन रस लेने लग गया, हमारा मन उसमें आनंद मानने लगा, उसमें हम भूल गए, तो उससे हमारा पतन होने लगता है। ये मान महंति पूजा प्रतिष्ठा साधक के लिए भयंकर रोग है। इसलिए संतों ने, साधकों ने घृणा पूर्वक कहा है कि प्रतिष्ठा कैसी है, सुकरी विष्ठा है। ये सुअर की टट्टी कोई याद थोड़े करता है उसको, तो सब घृणा करते हैं। ऐसी ये प्रतिष्ठा तो सुकरी विष्ठा है, घृणित है। लेकिन ये बात हमारे समझ में नहीं आती है, इसमें हम भूल जाते हैं। गोस्वामी जी का एक दोहा है, मांग मधुकरी खात थे, सोवत गोड़ पसार, पाप प्रतिष्ठा बढ़ गई, ताते बाढ़ी रार। मधुकरी मांग करके खा लेते थे, मधुकरी मांगना, जब गृहस्थ लोग भोजन कर लेते थे दोपहर के समय या रात्रि के समय, तब लोग निकलते थे, पहले नहीं निकलते थे। पहले निकलेंगे तो उनके घर जाएंगे तो वो खाए पिएंगे नहीं, उसमें समय निकाल दे देंगे, उनके लिए कम पड़ जाएगा तब। और खाने के बाद निकलते थे तो जो बचा रहता था कोई कोई, तो उसी में से लोग देते जाते थे। तो एक घर से एक रोटी या एक टुकड़ा लेते थे और दो चार छह घर ऐसे मांग करके जो मिला वही खा लेते थे। तो मांग मधुकरी खाते थे, गोस्वामी जी कहते थे मधुकरी मांग करके, भिक्षा मांग करके खाते थे और गोड़ पसार करके एकदम निश्चिंत होकर के सोते थे, कोई चिंता नहीं थी। लेकिन पाप प्रतिष्ठा बढ़ गई। लेकिन जब से प्रतिष्ठा बढ़ी, लोग जानने लग गए ये साधु है, महात्मा है, ज्ञानी है, विद्वान है, प्रवक्ता है, लेखक है, सम्मान देने लग गया, तब से तो राड़ बढ़ गई, कलह बढ़ गया, मन की चिंता बढ़ गई। अब तमाम लोग आने लग गए पास में, अब कोई महाराज जी कह रहा है, कोई स्वामी जी कह रहा है, कोई कुछ सेवा कर रहा है, कोई कुछ सेवा कर रहा है, उसे मन लगने लग गया। बस ध्यान चिंतन समय का जो समय था लोगों को खुद करने में चला जा रहा है। ये तो इसलिए कहा कि ये प्रतिष्ठा तो पाप है। किसी संत ने कहा है कि जब ते मान बड़ाई आई, तब से किस्मत फूटी, बड़ी विपत्ति महंती आई, लगन राम से छूटी। ये जब से मान बड़ाई मिलने लगी, सेवा पूजा प्रतिष्ठा मिलने लगी, समझ लिया उस दिन से मेरी किस्मत फूट गई। और जिस दिन से महंत बन गया, उस दिन तो भगवान से भजन छूट गया, साधना छूट गई। तो इस प्रकार से कहा है। लेकिन हमारा मन बस किसी ने कह दिया,
आप साहब सबसे बड़े अच्छे हैं, ऐसा बस चलता तो उसका चरणों तक तिलक धोकर पी लेते लोग, ऐसा हो जाता, कुर्बान कर देते अपने को। तो ये प्रतिष्ठा में रस लेने लगना अपनी साधना को ढीला कर देना है, और इसलिए साधना ढीली होती भी है। हम भूल जाते हैं कि हम किस लिए संतों के समाज में साधना मार्ग में आए, हमारा उद्देश्य क्या है। अपने उस उद्देश्य को सामने बनाए रखें तो भूलने का चांस बहुत कम आएगा। इसलिए मैं समय समय से कई बार निवेदन करता रहा हूं कि हम लोग जितने भी साधु मार्ग में आए हैं, साधक हो साधिका हो, और कोई चीज याद रख पाए या न रख पाए, बहुत से कोई किसी की याद रखता है, कोई किसी की याद करता है, कोई किसी की याद करता है, तो हम लोग कोई चीज याद रख पाए या न रख याद पाए, एक बात की हमेशा याद रखें, एक बात हमारे मन में हर समय झूलती रहे कि जब मैं घर छोड़ा था, जिस समय घर छोड़ने के लिए मन बना था, घर छोड़कर के साथ समाज में आया था, उस समय मेरे मन की दशा कैसी थी और किस लिए मैं घर छोड़ा था, कितना उत्साह था उस समय मन में, कैसी भक्ति थी, कैसा वैराग्य था, कितना प्रेम था, उसको हम याद करते रहें, वही वैराग्य मन का बनाए रहे, वही भक्ति, वही सेवा, वही उत्साह, तो बेड़ा ही पार हो जाए। कोई साधक हो, साधिका हो, लड़का हो, लड़की कोई भी हो, जब साधना मार्ग में लगना शुरू करता है तो घर वाले कितना समझाते हैं, कितना रोकते हैं, विघ्न बाधा कर डालते हैं, हर प्रकार से रोड़े अटकाते हैं, कुछ कहते, समझाते हैं, बुझाते हैं, डांटते हैं, फटकारते भी हैं और लोगों से भी कहलवाते हैं, लेकिन हम किसी की परवाह नहीं करते। माता पिता, भाई बंधु, कुल कुटुंब, ये लगता है कि ये सब के सब हमें बांधने वाले हैं और जब तक इनका त्याग नहीं करूंगा तब तक मेरा काम नहीं बनेगा, मन में एकदम बैराग छलकता रहता है। साधु मार्ग में आने के पश्चात वो बैराग कहां रह जाता है, वो भावना कहां रह जाती है। इसलिए हम भी साधु बन गए, हम भी महात्मा बन गए, हमें भी प्रवचन करने आ जाता है, हम क्या किसी से कम थोड़े हैं। बस उत्साह कम हो गया, साधना के प्रति प्रेम कम हो गया, ढीला पड़ गए। वो उत्साह बना रहता और फिर उत्साह क्यों नहीं बना रहता, उद्देश्य भूल जाते हैं हम कि मैं किस लिए घर छोड़ करके आया हूं, उद्देश्य सामने रहता नहीं है, इसलिए साधना ढीली हो जाती है। इसलिए सदगुरु कबीर ने जो कहा है, जैसी लागी वोर की वैसी निभे छोर, कौड़ी कौड़ी जोड़ के पूंजी लक्ष्य करोड़। जिस उत्साह से, जिस प्रेम से, जिस भक्ति भावना निष्ठा से शुरुआत में लगे थे, वही उत्साह और वही प्रेम, वही साहस अंतिम तक बना रहे तो सफलता निश्चित है, कल्याण में कोई बाधा नहीं है, बाहरी बाधा कहीं है भी नहीं, बाधा है तो हमारे अपने मन में है। तो वो उत्साह कब बनेगा, जब सब प्रकार से साधना में ही लाभ का निश्चय होगा,
साधना में यदि छोड़ दूं तो मेरा सब प्रकार से पतन है और लोग मुझे क्या कहेंगे, ये बात को सोचिए। और फिर हमें ये सोचना चाहिए कि लोग मुझे साहब कहते हैं, महाराज कहते हैं, स्वामी कहते हैं, महात्मा कहते हैं, पूजा देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, आरती वंदना करते हैं, क्या सचमुच में मेरी ये योग्यता है मैं महात्मा कहलाने का, स्वामी कहलाने का, महाराज कहलाने का, बाबा कहलाने का अधिकारी हूं, पूजा प्रतिष्ठा पाने का अधिकारी हूं? यदि हम इस बात को सोचें, मैंने शुरू में कहा था कि ये तो भक्तों की भावना है, उन्हें कोई भी साधु हो, किसी भी उम्र का, चाहे कल ही वो घर छोड़कर क्यों ना आया हो, उसकी सेवा करके, उसे सम्मान देकर, उसकी पूजा देकर के भक्तों को प्रसन्नता होती है, ये समझते हैं हमारा सौभाग्य है जो संतों की सेवा करने का अवसर मिला। और उनके ये भावना संतों के प्रति बनी रहे तो धीरे धीरे वे कल्याण पथ में, साधना पथ में वो भी आगे बढ़ जाते हैं, अंतःकरण का बहुत शुद्ध हो जाता, निर्मल हो जाता है। लेकिन हमें तो ये सोचना है ना कि जो मुझे पूजा प्रतिष्ठा मिल रही है, मैं उस लायक हूं या नहीं हूं। लायक नहीं हूं फिर भी लोग मुझे ऐसी प्रतिष्ठा दे रहे हैं, पूजा मेरा सम्मान कर रहे हैं, तो मुझे अपने को इस योग्य बनाना चाहिए। क्यों मैं पिछड़ रहा हूं इसमें? इस प्रकार से हम सोचें, लोग हमें स्वामी जी कहते हैं, तो क्या सचमुच में मैं अपने मन इंद्रियों का स्वामी बन पाया हूं, अपना स्वामी बन पाया हूं? मैं अपने मन इंद्रियों स्वामी तो नहीं बन पाया, अभी तो मन इंद्रिया ही मेरे स्वामी बने हुए हैं, मैं तो उनका गुलाम बना हुआ हूं, फिर भी मुझे स्वामी कहते हैं, तो क्या ये मेरे लिए तवीने की बात नहीं है? लोग हमें महात्मा जी कहते हैं, कौन सी महानता हम में है, कौन सा हमने ऐसा काम किया है जिसे लोग हमें महात्मा कहते हैं? मेरी महानता तो तब होगी जब मैं अपने आप पर पूर्ण विजय कर लूं, अपने आप को शुद्ध कर लूं, निर्मल कर लूं, पूरी तरह से विषय वासनाओं से अपने को ऊपर उठा लूं, ये मेरी महानता होगी। और इसके बिना मुझे महात्मा लोग कहते उसमें मैं आनंद मानता हूं, तो ये तो मेरे लिए पतन का कारण बनेगा। ऐसे ही और भी हम सोचें, और जितना इधर सोचेंगे उतने ही हमारी साधना एक रस चलती रहेगी। यदि हमारे मन में क्लेश होता है, पीड़ा होती है, दुख होता है, इसका मतलब यह है कि अभी हमारे अंदर बहुत सारे दोष दुर्गुण बाकी हैं। मन में कोई दोष ना होता तो हमें कोई दुख नहीं होता। किसी ने हमें थोड़ी प्रतिकूल बात कह दी, हमारा अपमान कर दिया और हम चिढ़ गए, क्रुद्ध हो गए, दुखी हो गए, तो हम साधु कहलाने का अधिकारी कहां है फिर? साधक तो वह है जो मान सम्मान, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख में समता रखता हो, जो धैर्य न खोता हो, विचलित न होता हो, एक अर्थ हो जो सब समय शांत हो, वो साधक है। और मैं अनुकूलता पाकर के एकदम फूल जाता हूं, प्रतिकूलता पाकर के मेरा मन पिचक जाता है, तभी मैं कहां साधक हूं, कहां मेरी साधना चल रही है? इस ढंग से भी हम सोचें तो ऐसा जब चिंतन चलेगा तब हमारी साधना एक रस चलेगी।
लेकिन हम ऐसा भी नहीं सोच पाते हैं, बल्कि जो अनुकूल होते हैं उन पर हम अपने को कुर्बान कर देते हैं, जो हमें प्रतिकूल लगता है वह उनके विरुद्ध निंदा करने में डर जाते हैं, बस साधना से और पतित हो गए, विचलित हो गए साधना से। किसी की अनावश्यक रूप से निंदा करना, किसी की अनावश्यक रूप से प्रशंसा करना, ये दोनों साधना के विपरीत है। अत्यधिक प्रशंसा, अत्यधिक आलोचना, आलोचना किसी की हो तो सुधार की दृष्टि से हो, तो आलोचना आलोचना नहीं होगी। और फिर साधना का उद्देश्य क्या है? दुख की निवृत्ति। अनादिकाल से आज तक हम बहुत कुछ कर चुके हैं और सब कुछ करके देख चुके, किसी भी उपाय से हमारा दुख दूर नहीं हुआ, और कोई ऐसा उपाय है भी नहीं दुख दूर करने का। दुख दूर करने का एक ही उपाय है, एक रस साधना मार्ग में चलना। सब कुछ हमने किया आज तक, लेकिन साधना का काम पूरी तरह से नहीं किया, इसीलिए तो भव बंधन में पड़े हुए हैं। और आज हमें वो अवसर मिला है भव बंधन काटने का, लेकिन आज भी वो काम नहीं कर रहे हैं। हमें मालूम है कि जो आज अवसर मिला है, ये अवसर कल नहीं मिलेगा। कल तो हम पर्वत हो जाएंगे, लेकिन ऐसा जानते हुए भी आज हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा अपना बनाया दुर्भाग्य है। अपने आप को मैं दुखों से ना बचा पाऊं तो दूसरों को दुख से क्या बचाऊंगा, दूसरों की रक्षा क्या कर सकूंगा? जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो दूसरे की रक्षा क्या करेगा? पहले तो अपनी रक्षा करनी होगी। और अपनी रक्षा करने का अर्थ क्या है? अपने मन के चारों तरफ विवेक और वैराग्य का मजबूत कवच पहन लेना। जितना मन वैराग भाव में डूबा रहेगा, उतना हम अपने आप को दुखों से बचाएंगे, अपनी रक्षा करेंगे। आत्मे व्याप्तनो गुप्ता निर्वेद्य यदा खिलात, अप्रमत इदम पश्येत ग्रस्तम काला हीना जगत। आत्मा ही आत्मा का रक्षक हो जाता है। आत्मे व्याप्तनो गुप्ता, आत्मा ही आत्मा का रक्षक हो जाता है, अर्थात यह जीव स्वयं अपना रक्षक होता है। लेकिन कब? निर्वेद्य यदा खिलात, जब अखिलात शरीर से लेकर संसार जहां तक दिखाई पड़ रहा है सबके प्रति पूरी तरह से वितृष्णा हो जाती, पूर्ण वैराग्य हो जाता है, मन सबसे एकदम उपराम हो जाता है, कहीं रंच मात्र के प्रति भी मोह नहीं, आकर्षण नहीं, सबके प्रति दुख दृष्ट, तब हम अपना रक्षक स्वयं बन जाते हैं। तो निर्वेद जगाना होगा हमको, वैराग्य। अब बिना वैराग्य के दुख दूर नहीं हो सकता है। वैराग्य का अर्थ
कहीं राग ना होना, कहीं चिपकाहट ना होना, कोई कामना नहीं होना, कोई आसक्ति नहीं होना। जैसे प्रबल अग्नि कहीं धधकती हो तो जो कुछ भी कूड़ा कचड़ा रहता है सब जल जाता है, कुछ बचता नहीं है। ऐसे ही जब प्रबल वैराग्य आएगा हमारे अंदर तो सारे कूड़े कचरे जल करके राख हो जाएंगे। साधना का अर्थ, एक अर्थ यह होता है अपने को निरंतर तौलते रहना, निरंतर मन में निगरानी करते रहना, साध लेना, समतोल कर लेना, संतुलित रखना। और वो कब होगा? जब हम निरंतर सावधानी रखेंगे तब होगा। कहीं मन द्वंद्वग्रसित ना होने पाए, संदेह एक बहुत बड़ा घुन है, बहुत बड़ा रोग है। जिस साधक को अपनी साधना के प्रति थोड़ा भी संदेह होगा वो डगमगाएगा जरूर। पता नहीं साधना में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लोग कहते हैं कि साधना से मोक्ष मिलता है, पता नहीं खाली कहावत है कि मिलता भी है। शरीर छूटने के बाद आत्मा रहेगा कि नहीं रहेगा, कौन जाने, पता नहीं क्या होगा। ऐसे जब संदेह है तब वो साधना क्या करेगा? अपने आत्म अस्तित्व पर पूरा विश्वास नहीं है तो तभी वो साधना नहीं कर सकेगा। इसलिए निसंदेह बोध भी जरूरी है। जब तक अपने आप को निसंदेह बोध नहीं होगा कि मैं शरीर से संसार से सर्वथा शुद्ध बुद्ध अलग हूं, और इसे सर्वथा भिन्न हूं, और चाहे जितना मैं उपाय करूं जड़ संसार मेरा अपना नहीं हो सकता, ऐसा जब बोध रहेगा तब तो उधर से वैराग्य होगा। कितने साधक हैं जड़ चेतन का सम्यक बोध नहीं है, इसलिए वैराग्य होते हुए भी वो दुख से मुक्त नहीं हो पाते हैं। किससे हम मोह करें? मोह करके मिलेगा भी क्या? पीड़ा मिलेगी। ऐसा भाव मन में जगे और फिर ये साधना भी निरंतर चलती रहे। एक दिन, दो दिन, चार दिन से काम नहीं चलेगा। जब तक जीवन है तब तक साधना का काम चलते रहना चाहिए। और इसके लिए आवश्यक है जो साधना संपन्न संत गुरु हैं उनके प्रति निष्ठा, उनके प्रति भक्ति, समर्पण, उपासना, सदैव संत गुरु समाज सत्संग के प्रति प्रेम। सत्संग में प्रेम नहीं है ठीक है, जान लिए, समझ लिए हैं, अब क्या वही वही बात सुनने के लिए सत्संग में जाएं, क्या वही वही बैठे वही और वही वही पुस्तक पाठ करते रहें, ये तो शरीर को दुखाना है। कितने साधक ऐसा कहते हैं। कई बार तो साधकों के लिए साधु वेदधारी ही कुसंग हो जाते हैं। तो ऐसे साधु वेदधारी जो कुसंगी लोग हैं उनसे सावधान रहना है, लेकिन जो सच्चे संत हैं उनकी संगति आवश्यक है, उनसे ही प्रेरणा मिलती रहेगी। समय समय से अपने मन में उठने वाले जो संदेह हैं उनके सामने हम रखते रहें तो हमें रास्ता बताएंगे, उसका समाधान करेंगे। अपने मन के संदेह को हम न बताएं, सोचें कि लोग हमें क्या समझेंगे,
हम कहेंगे देखो तो लोग हमें समझेंगे, देखो इतने दिन के साधु हैं फिर भी इसके मन में ऐसा संदेह हो रहा है, फिर भी इसका मन ऐसा कमजोर है, हमारी बदनामी होगी, हमारी बेइज्जती होगी, हमें लोग अच्छा नहीं मानेंगे। ये लज्जा शर्म जहां रखे फिर मन को संदेह बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और साधना तो हमें हटा देगा। इसलिए कोई संदेह किसी प्रकार का मन में उठे तो जो विवेक वैराग्यवान संत हैं, गुरु या गुरु हैं, उनके सामने हम प्रकट करते रहे उसको। सत्संग के प्रति प्रेम कभी न छूटे। इसलिए सत्संग और साधु समाज इसको ही साधक के लिए किला कहा गया है। किला में रह करके ही राजा की रक्षा होती है, और किला से राजा अलग हट गया तो शत्रुओं द्वारा घेर करके पकड़ लिया जाता है, मार डाला जाता है। ऐसे ही यदि साधक संत समाज और सत्संग का आधार जहां छोड़ा, मन इंद्रियों के हमले होंगे, संसार के हमले होंगे, और वो पकड़ करके संसारिकता में ढकेल दिया जाएगा। तो सत्संग के प्रति प्रेम हो और संत समाज गुरु के प्रति प्रेम हो, उसकी उपासना हो, उनको छोड़ करके और कोई दूसरा रक्षक है नहीं अपना। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से यह होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। संत गुरु ही साधक के लिए रक्षक हैं, और उनके प्रति प्रेम नहीं है, उनकी उपासना नहीं है, तो हमारी साधना एक रथ नहीं चल सकेगी, हम साधना में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। कोई एक आदर्श चाहिए, कोई रक्षक चाहिए, कोई प्रेरक तो चाहिए। अब प्रेरक है, आदर्शक है, उसके प्रति हमारा मन झुकता नहीं है, तो कैसे हम उससे प्रेरणा ले सकेंगे, कैसे उसकी भक्ति करके उसके आदर्श ले सकेंगे। तो साधना में जो कमजोरी आती है उसमें यह भी एक कारण भी हो जाता है। हम समझ लेते हैं जैसे वे साधु वैसे हम साधु, जैसे उनको पूजा मिलती है वैसे हमें पूजा मिलती है, जैसे उनको प्रतिष्ठा होती है वैसे हमारी प्रतिष्ठा होती है, उनमें और हमें क्या अंतर है, क्यों हम उनको बड़ा माने, ये भाव भी आ जाता है, अहम होने लगता है, इसलिए प्रेम घटता है। अब प्रेम घटा कि साधना ढीली हुई, उसमें मुख्य कारण वही मैंने कहा कि उद्देश्य को हम भूल जाते हैं, किस लिए हम घर छोड़ करके साधु मार्ग में आए, क्या उद्देश्य था हमारा, वो उद्देश्य सामने नहीं रहता है। उद्देश्य सामने बना रहे तब तो प्रेम बढ़े। या विधि मन को लगावे, मन को लगाए प्रभु पावे। कबीर साहब नाम से एक भजन है कि कैसे मन को लगाना है, अनेक उदाहरण दिया है। किसी प्रकार से अपने मन को उसमें लगाना होगा, तो अब लगाने के लिए क्या है, उद्देश्य सामने बना रखे। जब तक हमारा एक उद्देश्य नहीं होगा तब तक उस उद्देश्य के प्रति समर्पण नहीं होगा। हमें यह सोचना चाहिए हम साधु मार्ग में आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, कल्याण की प्राप्ति दुख की निवृत्ति उद्देश्य है, या पूजा सेवा प्रसिद्धि गुरुवाय महंती उद्देश्य है। पूजा सम्मान गुरुवाय महंती ये उद्देश्य नहीं, ये तो व्यवहार है। कहीं कोई कुछ लोग गुरु बन जाते हैं, कहीं महंत बन जाते हैं, कहीं व्यवस्थापक बन जाते हैं, तो सेवा का अवसर है, वहां सेवा करना है। कोई गुरु बन गया, महंत बन गया, व्यवस्थापक बन गया, तो इससे वो बड़ा नहीं हो गया।
उसके लिए भी वही काम करना है जो एक सामान्य साधक को करना है। ये सब उद्देश्य नहीं है, एक व्यवहारिक पद है, व्यवहारिक कार्य करने के लिए एक जिम्मेदारी दी गई है। उद्देश्य है दुख निवृत्ति, कल्याण की प्राप्ति। वो जब सामने बना रहेगा तब साधना में प्रेम बना रहेगा। इसलिए योग दर्शन में जो कहा गया है कि मन का निग्रह जो करना है कैसे करना है, तो जो कहा गया सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, कैसे करना है? दीर्घकाल तक, बहुत लंबे समय तक, साल दो साल चार साल नहीं, जीवन पर्यंत। इसलिए गुरु जी उदाहरण देते हैं, जैसे कोई धान काटने जाता है तो गिन कर हत्या नहीं चलाता है कितनी हत्या चला लिया, घास काटने वाला गिन कर हत्या नहीं चलाता, रास्ता चलने वाला गिन करके पैर नहीं रखता है, तब तक पैर उठाता धरता रहता है जब तक मंजिल तक पहुंच नहीं जाता। किसान धान काटने गेहूं काटने खेत में जाता है तब तक हत्या चलाता है जब तक पूरे खेत के धान या गेहूं कट नहीं जाता है, गिनता है क्या है? इतना बार चलाया, धान कूटना है और ओखली में धान डाल दिया मूसा चलाना, तो गिन गिन करके चलाएगा एक दो तीन, तो धान कूट ही नहीं पाएगा फिर, बस मूसा चलाते रहो जब तक धान से छिलका अलग ना हो जाए। ऐसे दीर्घ काल तक लगे रहो साधना में, करते रहो करते रहो करते रहो, न उगता है मन से, उगता गया मन तो गड़बड़ हो गया। और लेकिन दीर्घ काल में भी कहते हैं निरंतर, ये तो दीर्घ काल मतलब लंबे समय तक, उसमें भी निरंतर रोज रोज। अब दीर्घ काल में को यह समझें, आज कोई आज सत्संग कर लिए, थोड़ा ध्यान में बैठ लिए, चिंतन बैठ लिए, और फिर उसके पश्चात महीना भर छोड़ दिए, फिर महीना भर बाद एक दिन दो दिन कर लिए, फिर छोड़ दिए दो महीना, फिर तो कहे करे मैं साल भर से ध्यान कर रहा हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि एक तो साल भर से कहां हुआ, भले साल भर तो हुआ लेकिन निरंतर नहीं है ना। निरंतर हो, रोज रोज हो, रोज ध्यान, रोज चिंतन, रोज मनन, रोज सत्संग, उसमें भी सत्कार पूर्वक, आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक। अब कहें कि जी आश्रम में रहना है, सत्संग नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, नहीं जाएंगे तो आश्रम से बाहर निकाल देंगे, चलो भाई मन मार कर तो बैठना ही पड़ेगा, तो गया काम से। ऐसे नहीं, प्रेम पूर्वक है, मार मार करके कोई सत्संग करवाए कर, मजबूरी बस ध्यान में बैठे हैं नहीं जाएंगे, ध्यान में समय घंटी लगी है, ध्यान में नहीं बैठेंगे लोग हमें क्या कहेंगे, चलो भाई बैठ जाते हैं कम से कम लोग कहेंगे, नियम पालन तो हो जाएगा, तो कोई फल नहीं होगा। मार मार करके नहीं, प्रेम होना चाहिए। मार मार करके किससे होगा? वो उदाहरण याद आता है, एक थानेदार था तो गीत सुनने का अभ्यासी था, कहीं जाता था, कहता चलो गीत सुना, कुछ गाना सुनाओ, तो गाना सुनने का, गीत सुनने का बड़ा प्रेमी था। एक बार वो थानेदार दौरा में गया तो एक गांव में ही रात हो गई, वहीं रात रुकना पड़ा उससे, और रात रुकना पड़ा तो सोचा किया कुछ गाना सुनना चाहिए, तो किसान जा रहा था उसे पकड़ के बुलाया, गए कि यहां आओ बैठो, बैठ गए, गीत सुनाओ। कितना हुजूर मैं तो कुछ गीत सुनाता है, कभी गाया ही नहीं हूं, मुझे कोई गाना आता ही नहीं है। कि नहीं नहीं तुम्हें सुनाना पड़ेगा गाना। कहना हुजूर मैं तो कुछ सुनाता, मैं कुछ गाता ही नहीं हूं, कभी कुछ गाना आता ही नहीं है। और थानेदार ने कहा कि मैं कहता हूं गाओ नहीं तो पड़ेगा डंडा, और दो डंडा जमाया, जब दो डंडा पड़ा तो किसान गाने लगा कि ससुरा मार मार गवावत है, ससुरा मार मार गवावत है।
तो ऐसे मार मार करके उसके बारे में कोई फायदा थोड़े होगा। तो जो हम करते हैं भक्ति सेवा सत्संग ध्यान चिंतन साधना, उसमें आदर हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो, तब सफलता मिलेगी। अब प्रेम कब जगेगा? जब लाभ का निश्चय होगा। साधना नहीं करूंगा तो मेरी हर प्रकार से हानि ही है। साधना में डूबने से ही, वैराग्य पथ में चलने से ही मेरा हर प्रकार से लाभ है। इसको छोड़ करके अन्य कहीं कुछ लाभ नहीं है, ये भाव मन में झलकता रहे। अनादिकाल से अब तक कितना दुख हमने भोगा, आज देख रहे हैं कीड़े मकोड़े पशु पक्षी खाने में कैसे कैसे दुख है, किस प्रकार से एक प्राणी दूसरे प्राणी को काट रहा है, छेद रहा है, खा रहा है, निगल रहा है। मनुष्यों में देखते हैं कितने दीन दुखी गरीब है, लाचार है, अपंग है, रोगी है, दरिद्र है, बड़ी बीमारी से एकदम करा रहा है। ऐसे ही बार अनादिकाल की दुनिया में हम कितने बार ऐसे इन दुखों से गुजरते हुए आए हैं, और आज यदि साधना नहीं करें तो फिर इन दुखों में गुजरते रहेंगे। इस प्रकार से सामने जब दुख बन का बोध होता रहेगा, साधना छोड़ा कि दुख में पड़ा, ये भाव जब झलकता रहेगा, तब साधना में प्रेम होगा, तब साधना एक रस चलेगी। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि साधना में एक रथ रखने के लिए बाहरी जो प्रपंच है उसमें हम न भूले। सेवा मिली, पूजा मिली, प्रतिष्ठा मिली, सम्मान मिला, गुरुवाई मिली, महंती मिली, उनमें रस न ले। प्रेमी भक्त मिले, प्रशंसा करने वाले मिले, सेवा करने वाले मिले, उनमें रस न ले, उनमें कहीं मोह न करें। किसी प्रकार का अहंकार मन में न आने दे। सब समय शरीर संसार की नश्वरता दुखरूपता का बोध सामने बना रहे, उसका चिंतन मनन होता रहे। साधना छोड़ देने पर हर प्रकार का पतन है, दुख में गिरना है, यह बोध बना रहे। इसके साथ साथ सत्संग सेवा स्वाध्याय चिंतन मनन संत गुरु के प्रति प्रेम भक्ति सेवा समर्पण बना रहे, और फिर उद्देश्य कल्याण की प्राप्ति ये सामने बना रहे, तब साधना में साधक एक रथ आगे बढ़ता रहेगा। इसके लिए फिर मैंने ये कहा कि जब जब हमारा मन भूले, संसार की तरफ आकर्षित हो, कहीं मन में कोई अहंकार आए, तब हम याद करें कि उस समय माता पिता परिवार वाले हमें रोक रहे थे, उनका रोकना हम नहीं माने, इसलिए सोचे कि हम तो बैराग करेंगे, संतों के पास रह करके साधना करेंगे। और आज मेरा मन फिर वही संसार में ललचा रहा है, तो जब उस समय मेरा मन नहीं ललचाया और आज ललचा रहा है, तो आज फिर लौट कर जाऊंगा तो कितनी हंसी होगी समाज में मेरी, लोग मुझे क्या कहेंगे, कितनी बदनामी होगी। उस समय तो मना कर रहे थे लोग, उस समय मना कर रहे थे, घर में रहते, सेवा करते, भक्ति करते, सत्संग करते, गृहस्थी के भी काम चलता, और संतों सेवा करते करते आगे कुछ कल्याण में भी आगे बढ़ गए होते, दोनों होता। लेकिन उधर तो हमने छोड़ दिया, इधर अब इधर को भी छोड़ दिए, तब फिर हम कहां के रहेंगे। गोस्वामी जी ने कहा है, परमारथ पहचान मति लथति विषय लपटान, मनोचिता से अधजरती मानो सती परान।
शिष उघारन किन कहो, बर्ज रहे प्री लोग, घर ही सती कहावती जरती नाह वियोग। परमार्थ पहचान मति दसति विषय लपटान, मनोचिता से अधजरती निकसी सती परान। पहले जमाने में कितनी स्त्रियां पति के लाल के साथ जल जाती थी, उसको लोग सती होना कहते थे। गोस्वामी जी उसको उदाहरण देते हैं कि भाई देखो, तुम्हें कोई स्त्री हो, उसका पति मर गया हो और उस स्त्री ने घोषणा कर दी होगी हो कि मैं भी अपने पति साथ जल मरूंगी, तो घर वालों ने समझाया कि नहीं ऐसा मत करो, वो तो मर गया, तुम जीते जी क्यों अपने शरीर को दाह करना चाहती हो, पति मर गया तो उसके वियोग में तुम जीवित रहो और अपने सत्य धर्म में चलती रहो। लोगों ने समझाया लेकिन वो जिद पकड़ ली नहीं, किसी का समझाना माना ही नहीं, जिद पकड़ ली नहीं मैं तो पति के लाल के साथ ही जल मरूंगी। लोगों ने कहा चलो भैया जब तुम नहीं मानती हो तो। तब चिता रची गई, वो स्त्री अपने पति की लाश को अपने गोद में रख करके बैठी, चिता में आग लगाई गई। चिता में जब आग लगी, आग जलने लगी और आग की गर्मी आने लगी, हाथ पे जलने लगे, तो वो स्त्री चिता से उठ करके भागी है तो हाथ पे मैं जड़त में मर जाऊंगी। तो गोस्वामी जी कहते हैं शीष उघारण किन कहो, बर्ज रहे प्रियो, तुम्हें सती होने के लिए कितने कहा था, घर के लोग तो तुम्हें मना ही कर रहे थे। घर ही सती कहा होती जरती ना वियोग, तुम अपने घर में ही रहती, बाल बच्चों का पालन करती, अपने पति के वियोग में जीती रहती तो तुम घर बैठी ही सती कहलाती, ऐसे कहलाने क्या जरूरत है। अब तुम चिता से उठकर भाग रही हो तो तुम्हारी केवल हती ही होनी है, तो तुम्हें मर जाना ही, उसी में जल जाना ही उचित है, ये उदाहरण है। ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं परमार्थ पहचान मति, जिसने परमार्थ को पहचान लिया और परमार्थ को पहचान कर जिसने घर द्वार छोड़ दिया, घर द्वार छोड़ दिया और कुछ दिन साधु मार्ग में रहे, फिर मन ललचाया और फिर उधर सोचा अरे साधु मार्ग में आ गया, गड़बड़ हो गया, ये मन इंद्रियों साधना बैराग करना बहुत कठिन है, फिर ललचा करके उधर दौड़ने लगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं भाई जब तुम घर छोड़े थे, तुम्हारे माता पिता भाई बंधु कुल कुटुंब परिवार के लोग मना कर रहे थे कि नहीं साधना का मार्ग बहुत कठिन है, बैराग मार्ग बहुत कठिन है, बैराग उस घर न छोड़ो, घर में ही रहो, घर में रहकर साधना करो, संतों की सेवा करो, भक्ति करो, सत्संग करो, तो तुम भक्त भी कहलाओगे, साधक भी कहलाओगे और संसार का काम भी तुम्हारा होता रहेगा। लेकिन तुम किसी को रोकना तो माने नहीं, तुम्हें तो सती होने का हौसला था कि लोग मेरी बहुत प्रशंसा करेंगे, अब जब घर छोड़ दिए, अब साधु मार्ग में गए, वहां कठिनाई आने लगी, तब पछताते हो अरे क्या करे, ये साधु देखा देखी इनके बहकावे में आ गए तो गड़बड़ी हो गई, अब घर लौटने के लिए जाओगे तो तुम्हारी दशा वैसे होगी जैसे कि स्त्री चिता से उठ करके भागे, उनकी हती ही तो होनी है। इसलिए या तो उसी में जल मरो या फिर उसमें पहले से साधार रहो। ये बात तो हम सोचें कि फिर मैं ढिलाई करूंगा, साधना नहीं कर पाऊंगा, तो बीच में रह जाऊंगा और लोग और कहीं संसार तरफ लौटा तो केवल मेरी हंसी ही होना है, मैं कहीं के नहीं रहूंगा। और फिर संसारिक भोग पदार्थों का त्याग क्यों किया हमने, गलत जान करके, दुरुपयोगी जान करके, और जिसका त्याग कर दिया गया वो एक प्रकार से निष्ठा के समान हो जाता है, नहीं बमन के समान हो जाता है, और बमन को कोई ग्रहण नहीं करता है, घृणित मान लेता है। तो कुछ उदाहरण याद आता है, जैन दर्शन में होता है कि एक साधु था, बस शादी हो रही थी वैसे ही वो
सब छोड़ छाड़ करके साधु हो गया। युवती पत्नी थी सुंदरी, उसे शादी हो रही थी, उसे छोड़कर साधु हो गया। अब वो जो युवती थी, पति से मिलने के पहले ही पति साधु हो गया, तो उसको कितनी पीड़ा हुई। लेकिन वो भी कहे, चलो कोई बात नहीं, मेरा पति साधु हो गया तो मैं भी इसी साधना मार्ग में ही रहूंगी। अब वो अपना घर में रहकर साधना करने लगी। अब वो था युवक, वो संतों के साथ रहकर साधना करने लगा। लेकिन धीरे 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 उसकी साधना ढीली होने लगी, संसार का आकर्षण बढ़ने लगा, साधन नहीं हुआ, संतों से साधकों से कहा भी बताया नहीं है अपने मन की बात। मन धीरे धीरे कमजोर होता गया, कमजोर होता गया, साधना ढीली, संसार का आकर्षण बढ़ता गया। अब सोचने लगा, क्या हुआ, बहुत गलती किया मैंने, सुंदरी पत्नी थी, सारा सुख भोग था, संसार में रहकर संसार का आनंद ले लेता, कहां यहां आ गया, साधना तो कर पाऊंगे, मन तो मानता नहीं, इंद्रियां रुकती नहीं है, ये साधना काम तो बहुत ढीला है। पत्नी घर में याद करती होगी, मैं यहां भी कर रहा हूं, कोई काम नहीं है, चलो लौट चलता हूं घर में, पत्नी को भी आनंद आएगा और ये साधना काम करूंगा नहीं तो मैं भी लौटूंगा। लौटा तो लौटते लौटते गांव तक लौटता तो शाम हो गई। गांव के बाहर एक बाग था, कई वर्षों बाद लौटा था, उसी बाग में रुक गया। तो वहीं पर एक कुआं था, तो एक स्त्री पानी भरने के लिए आई। तो साधु ने उस स्त्री से कहा कि बहन, इस गांव में नागला नाम की एक महिला रहती है, तुम उसे जानती हो क्या? तो नागला सुनी तो स्त्री चौंक गई, नागला तो वो खुद ही थी, वो देखती है, अरे ये तो मेरा पति है, साधु हो गया था, अब फिर आ रही है, वो मुझे पूछ रही है। तो उन्होंने कहा, मुनि जी, गांव में तो अनेक स्त्रियां रहती है, नागला के प्रति ही आपका ये प्रेम क्यों होना है, नागला का नाम लेकर के वो क्यों पुकारती है आप, क्यों पुकारते हैं? तो उन्होंने कहा, आपने तुम नहीं समझती हो, यदि तुम जानती हो तो बता देना, मेरा नाम अमुक, मेरे अमुक नाम है, मैं यहां बाग में आया हुआ हूं, मैं उससे मिलना चाहता हूं। तो नागला समझ गई कि इसके मन में कोई दूसरी भावना है और ये साधु मार्ग छोड़ करके फिर लगता है कि संसारिकता माना चाहता है। इतने दिन तक वो नागला खुद साधना करते करते उसका मन एकदम स्वस्थ साधनामय हो गया था, वो वैराग में पक्का। तो दूसरे दिन वो क्या करती है, नागला अपने एक सखी को लेती है, उसी बाग में चली जाती है, और जहां वो साधु बैठा था ऐसे ही आंख मूंद करके, उसे से दो चार पेड़ के दूरी में वो नागला अपनी सखी के साथ बैठ गई और बात करने लगी। जैसे आए तो थी ऐसे, जैसे कोई ध्यान करने आई है, पूजा पाठ करने आई, ऐसे आई थी, लेकिन बात करने लगी। और साधु को लगा कि कैसी स्त्रियां हैं कि आप पूजा करने आए थे ध्यान करने, अब बैठ रही है, मुझे भी ध्यान नहीं करने दे रही है। गुस्सा तो थोड़ा हो मैंने हुआ, लेकिन सोचा कि क्या करना, चलो ना भी चली जाएगी, शांत रहा। इतने में उस स्त्री का एक बच्चा आया, जो उसके नागला साथ में जो स्त्री थी उसका एक छोटा बच्चा आया 8-10 साल का। आते कहा, माँ तुम यहां बैठी हो, मैं तुम्हें खोजते खोजते बहुत थक गया, कब से तुम्हें खोज रहा हूं और तुम यहां बैठी हुई हो। तो वो कहती है, बेटा तुम आ गए, अच्छा किए, मैं तो तुम्हारे लिए खीर बना करके रखी हुई थी, बहुत बढ़िया खीर बनाई थी, उसमें मेवा सब डाल करके, और तुम सोची थी कि बेटा मेरा पढ़ करके आएगा तो खीर खाकर खेलने जाएगा। तो कहा, तो मां मैं तो खीर मैं खा गया, लेकिन तुम मिली नहीं, इसलिए मैं तुम्हें खोदते खोदते यहां आया हूं। तो बेटा, उन्होंने कहा, अच्छा किया बेटा तुमने खीर खा लिया। तो फिर वो लड़का कहता, मां लेकिन एक बात हो गई, कहे क्या भाई, खीर खाया तो, लेकिन खीर खाया तो उल्टी हो गई, कहे अरे बेटा तो बहुत गड़बड़ हुआ, इतनी बढ़िया खीर मैं बनाई थी, इतनी मेहनत से, इतने मेवा सब डाल करके, तो उल्टी कर दिया, तो ठीक नहीं हुआ। लड़का कहा, लेकिन मां ऐसा नहीं है,
जो उल्टी होना खीर उल्टी हुई खीर तो फिर गोल्टी को खा गया मैं। तो क्या, वाह बेटा तू बहुत समझदार बेटा है, मेरा बेटा बहुत योग्य है, बहुत समझदार है। तब वो साधु से रहा नहीं गया, उठ करके आए और वो साधु कहने लगा, तुम लोग कैसी स्त्री हो, यहां तो पूजा करने ध्यान कर रहे हो, जब मैं देखता हूं तब से तुम खाली बात ही कर रहे हो, और उसमें भी ये विचित्र बात, ये लड़का कह रहा है कि खीर खाया और खीर उल्टी हो गई, उसको फिर खा लिया, तुमने उसको मना करने के अपेक्षा तुम तो उसकी प्रशंसा कर रहे हो कि उल्टी, तो एकदम जो उल्टी हो गई तो घृणित हो जाता है, उधर देखने भी मन नहीं होता है, उसको ये खा लिया लड़का तुम पर प्रशंसा कर रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है क्या। तो महिला कहती है, महाराज जी क्या करोगे, ये जमाना ही ऐसे है। अब देखो ना, आप ही को उल्टी समझ करके अपनी पत्नी छोड़कर गए थे, अब फिर उसे ग्रहण करने के लिए आ गए हो। तब कहे, अरे ये तो मुझे समझाने के लिए ये कर रहे हैं सब, संसार के भोगों को क्यों त्याग किया गया, वमन के समान त्याज जमान करके हमने त्याग किया है, अब फिर उधर भोगों को ही फिर ग्रहण करना, वो तो उल्टी अपने द्वारा उल्टे हुए खाद्य पदार्थों को फिर से खाना है। ये भाव मन में हो तो साधना में ढिलाई नहीं होगी, ये भाव हम भूल जाते हैं। जिस भोग को त्याग करके, जिस संसारिकता को राग को त्याग करके आए हैं, उधर मन का ललचाना उल्टी को फिर से खा लेना का समान है। तो इसलिए जो भोग जिस संसारिकता राग रंग का त्याग किए हैं, उधर से बिल्कुल वितृष्णा हो मन में, तब अपने आत्मक प्रति अनुराग होगा, आत्मक प्रति अनुराग होगा तब साधना में प्रेम बढ़ेगा, तब हमारी साधना धीरे धीरे एक रस उत्तरोत्तर चलती जाएगी, उसमें सफलता मिलेगी।